नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट हेल्प नेपाल हिंदी पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने सैमसंग मोबाइल का FRP लॉक कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब कि ये गूगल अकाउंट का सिस्टम आ जाता है रीसेट करने के बाद, तो उसको कैसे हटा सके, इसके बारे में आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल का FRP लॉक तोड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, FRP लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल में आपको एक्सेसिबिलिटी मोड को इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए या फिर सिम डाल के डाटा ऑन कर लीजिए। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए एक बार, उसके बाद इस सब को टिक कर दीजिए और एग्री पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बताएगा चेकिंग इंटरनेट कनेक्शन, सॉफ्टवेयर अपडेट भी बताएगा। उसके बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके बाद आपके मोबाइल में ऐसा कुछ आएगा कि वेरीफाइंग योर गूगल अकाउंट, दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विथ अ गूगल अकाउंट वाज दैट वाज प्रीवियसली सिंक्ड ऑन दिस डिवाइस। मतलब ये बोल रहा है कि पहले इस मोबाइल में जो गूगल अकाउंट था उसी को यहाँ पर डालना है, तो आपको नहीं मालूम होगा इसीलिए FRP लॉक लग चुका है। तो इसको डिसेबल करने के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, आपको अब बैक चले जाना है, सबसे फर्स्ट स्क्रीन पर चला जाना है, और आपको क्या करना है, तीन बार इस होम बटन को क्लिक करना है, 1 2 3। अगर आपके मोबाइल में तीन बार होम बटन को क्लिक करने के बाद एक्सेसिबिलिटी ऑन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, तीन उंगली से स्क्रीन पर टच करना है तीन जगह पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे मैंने क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बोलेगा एक्सेसिबिलिटी में कि कंटिन्यू होल्डिंग 3 फिंगर्स, उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा, देख सकते हैं आप टॉक बैक ट्यूटोरियल आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एल शेप ड्रॉ करना है, देख सकते हैं मैंने एल शेप ड्रॉ किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर नीचे तक एल शेप ड्रॉ करना है। एल शेप ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में क्लिक करना है, एक छोटी डबल टैप करना पड़ेगा इस पर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको बैक करना है डबल टैप करके, उसके बाद फिर से एक छोटी बैक करना है यहाँ पर डबल टैप करके, फिर से एक बार बैक करना है यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 फिंगर से इसको स्क्रॉल करना है ऊपर, और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करना है, डबल टैप करना है, उसके बाद टॉल्क बैक में जाना है, वहाँ पर भी डबल क्लिक करना है और इसको ऑफ कर देना है डबल क्लिक करके, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक जाना है, अब आपका सिंगल टच काम करने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज़र मैनुअल पर एक चोटी क्लिक करना है। यूज़र मैनुअल पर क्लिक करने के बाद आप अपने ब्राउज़र एप्लीकेशन में आ जाएंगे, अगर ये अपडेट बोल रहा है तो इसको कैंसिल कर लीजिए। उसके बाद आपको एंड्रॉयड वर्जन चेक करना है, मैंने अगाड़ी चेक कर दिया है, मैं बैक कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर अब आप डिवाइस में देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाएगा एंड्रॉयड वर्जन 6.0.1 है, तो आपको क्या करना है, इस पर बैक कर देना है और उसके बाद यूज़र मैनुअल पर एक चोटी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है ऊपर में गूगल अकाउंट मैनेजर 6.0.1 और उसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में लिंक मिलेगा APK मिरर का, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बताएगा चेकिंग योर ब्राउज़र बिफोर एक्सेसिंग apkmirror.com। अगर आपके मोबाइल में इस वेबसाइट से नहीं खुलता है तो बैक कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत सारा मोबाइल में नहीं खुलता है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं APK Pure का लिंक दिया हुआ है गूगल अकाउंट मैनेजर का, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ पर क्लिक हेयर टू स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, जबकि डाउनलोड हो जाएगा आपका, देख सकते हैं ये लोड हो चुका है अभी, और स्टार्ट डाउनलोडिंग यहाँ पर बता चुका है, तो आप डाउनलोड होने दीजिए इसको। वो डाउनलोड देखने के लिए आपको बुक मार्क में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री में जाने के बाद डाउनलोड हिस्ट्री में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है क्विक शॉर्टकट मेकर, क्विक शॉर्टकट SHORTCUT क्विक शॉर्टकट मेकर,
एपी के, सर्च करना है आपको। थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो आपको दूसरा लिंक मिल जाएगा, अगर शुरू का लिंक नहीं आपको काम कर रहा है तो। आप लोग देख सकते हैं मैंने दूसरा लिंक पर क्लिक कर चुका हूँ, क्विक शॉर्टकट मेकर 2.4.0 APK। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड लेटेस्ट APK लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है APK। और देख सकते हैं स्टार्ट डाउनलोडिंग बता चुका है यहाँ पर, तो आप लोग वेट करिएगा कि डाउनलोड हो जाए वो। और आप डाउनलोड यहाँ पर बुक मार्क में क्लिक करिएगा एक्चुअली, और उसके बाद हिस्ट्री में क्लिक करिएगा, और डाउनलोड हिस्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पर फाइल मैनेजर खुल जाएगा और आपका एप्लीकेशन वहाँ पर डाउनलोड हो चुका होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, गूगल अकाउंट मैनेजर को डाउनलोड करना है। ऐसा प्रॉब्लम आपको बता रहा है इसका मतलब ये डाउनलोड नहीं हुआ है, आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा डाउनलोड होने के लिए, इसको इंस्टॉल करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी डाउनलोड हो चुका है इसीलिए इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पर बता रहा है आपको कि इंस्टॉल ब्लॉक्ड, तो आपको क्या करना है सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर अननोन रिसोर्स को ऑन कर देना है, और अलाउ इंस्टॉलेशन ओनली को इसको ऑन टिक कर देना है, उसके बाद एस कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है गूगल अकाउंट मैनेजर को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन में। देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, इसको डन कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसको इंस्टॉल कीजिएगा, थोड़ी देर वेट कीजिएगा क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल अकाउंट मैनेजर। देख सकते हैं फर्स्ट में आ चुका है गूगल अकाउंट मैनेजर, उस पर एक चोटी क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे गूगल अकाउंट टाइप ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर ट्राई पर एक चोटी क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको ब्राउज़र साइन इन में क्लिक करना है और उसको ओके कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल साइन इन का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कोई सा भी जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड यहाँ पर दे देना है, जैसे कि आपको जो आईडी याद होगा वही आपको दे देना है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें पुराना जो आईडी डाला हुआ था वही डालना पड़ेगा, तो मैं कोई सा भी जीमेल आईडी यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर पासवर्ड दे देना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइनिंग इन बता रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट करिएगा। तो आप देख सकते हैं साइन इन होने के बाद यहाँ पर बैक आ चुका है ऑटोमेटिक, तो आपको क्या करना है आप बैक जाना है, सबसे बैक जाना है, बैक करते रहिएगा और बैक करिएगा। उसके बाद आप जाइएगा यहाँ पर बेसिक सेटिंग में, सबसे पहले का सेटिंग में आ जाइएगा बैक करने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है अब, उसके बाद आपको यहाँ पर टिक लगा देना है और एग्री पर भी क्लिक कर देना है। थोड़ी देर यहाँ पर चेकिंग कनेक्शन बताएगा, तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, और यहाँ पर लिखा रहा है कि अकाउंट एडेड रेडी टू यूज बता रहा है, तो इसको नेक्स्ट कीजिएगा आप। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड बताएगा, थोड़ी देर वेट कीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम एंड डेट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपके यहाँ पर क्या कीजिएगा नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको सेटअप कर देना है, नोट पर क्लिक कर देना है वहाँ पर, और आपको पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ को अनटिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको स्किप एनीवे पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड बताएगा, तो थोड़ी देर आप वेट कीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सैमसंग अकाउंट आ चुका है, तो इसको आपको स्किप कर देना है क्योंकि हमें सैमसंग अकाउंट नहीं चाहिए अभी। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कस्टमाइज योर डिवाइस बता रहा है, तो आपको यहां पर फिनिश पर क्लिक कर देना है और एग्री कर देना है। उसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है, फिनिश पर क्लिक करने के बाद लोडिंग वेट बताएगा और आप वेट कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप अपने होम स्क्रीन में आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका होम स्क्रीन आ चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी FRP लॉक लगा हुआ नहीं है, मैंने लॉक भी नहीं लगाया है, तो यहाँ पर स्वाइप करने के बाद खुल चुका है। और मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखा रहा हूँ कि ये फुली वर्किंग कंडीशन में है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग अपना FRP लॉक तोड़ सकते हैं सैमसंग के मोबाइल से। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर आपके मोबाइल में FRP लॉक नहीं टूटा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा।